सारे सिंगार हैं, मैं तो त्याग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप भी इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को आखिर तक देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काइन मास्टर ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे और यहाँ से 9.16 को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जौन जौन से फ़ोटो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी से अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने अपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है लेयर में। लेयर में जाने के बाद आपको जाना है मीडिया में, और मीडिया में जाने के बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन, इसको आपको फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग में और यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक कर देना है, उसको थोड़ा थोड़ा आगे करते जाना है। जैसे ही आपका वाइट बैकग्राउंड होएगा तो आपको जाना है ट्रिम वाले ऑप्शन पे, कंची वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इस पर जाना है। और इस पर जाने के बाद आपको ट्रिम राइट कर देना है। जैसे ही आप इतना कर देते हैं आपको दूसरे फ़ोटो भी ऐसे ही करना है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आगे करते जाना है, और जैसे ही आपका वाइट बैकग्राउंड होता है आपको कैंची वाले ऑप्शन पे जाना है और इसे ट्रिम राइट कर देना है। इस तरीके से आपको सारे फ़ोटो में कर देना है। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने सारे फ़ोटो में सेम अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैं प्ले करके देख लेता हूँ वीडियो को अच्छे से बनी है या नहीं। तो इस तरीके से आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, ऑडियो पे जाना है। ऑडियो पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। अगर इस बैकग्राउंड को थोड़ा आपको काटना है तो सिंपली आपको जाना है ट्रिम पे और यहाँ से ट्रिम राइट कर देना है। इस तरीके से आपका बैकग्राउंड जो फालतू का है वो कट जाएगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब।